रेवरेली राम जानकी मंदिर व सार्वजनिक उपयोग वाली धर्मशाला की दीवार दबंगों द्वारा गिराए जाने पर पुलिस अधीक्षक को दिया प्रार्थना पत्र। शिवगढ़ रायबरेली ग्रामीणों ने राम जानकी मंदिर व सार्वजनिक उपयोग वाली निर्माणाधीन धर्मशाला की दीवार दबंग विपक्षियों के द्वारा गिराने व जबरन कार्य को रोकने के गलत तरीके से मुकदमे में फंसाने को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें मामला रायबरेली जनपद के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के पूरे सुहागमती मजरे एमापुर तहसील महाराजगंज का है, जहां पर गांव के दबंग व्यक्तियों जगन्नाथ पुत्र बदलू, संतराम पुत्र बदलू, अशोक पुत्र जगन्नाथ, पवन कुमार पुत्र जगन्नाथ, निर्मल पुत्र संतराम, दिनेश पुत्र जगन्नाथ, रमेश सिंह प्रधान प्रतिनिधि शिक्षक ने सार्वजनिक उपयोग की निर्माण धर्मशाला की दीवार गिरा दी, जबरन कार्य को रोक दिया। यही नहीं, ग्रामवासियों का यह भी आरोप है कि विपक्षियों ने प्रधानपति से सांठगांठ करके पुलिस द्वारा दबंग विपक्षियों पर कार्यवाही न करके सार्वजनिक उपयोग निर्माणाधीन धर्मशाला की बात करने वालों पर सीआरपीसी धारा 107/116 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। ग्रामवासियों का यह भी कहना है कि जमानत के लिए 40 लोगों का इंतजाम करना पड़ेगा और कहा पुलिस ने बहुत गलत किया हमारे लोगों के साथ, जो कि शिवगढ़ पुलिस विपक्षों पर कार्यवाही नहीं करते, उल्टा बताती रायबरेली आप लोग जाएं। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया और दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की। अंशु श्रीवास्तव, क्राइम ब्यूरो मंडल, लखनऊ। अंशु,